بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद त खुश हूंदा त अॼु असां जेका टॉपिक पढ़ूं पिया उहा इहे सम्झो त हिन चैप्टर जी आख़िरी टॉपिक आहे. विच में हिकु नंढड़ी टॉपिक छॾे आया आहियूं जेका ॾिसूं था त हिन सां गॾु ई कराए था छॾियूं. उहा आहे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. त उहा बाद में कंदासीं. पहिरियों असां जेका हिन चैप्टर जी लास्ट टॉपिक आहे ऐं उहा टॉपिक आहे वेक्टर प्रोडक्ट. हिन खां पहिरियों तव्हां ऐं असां स्केलर प्रोडक्ट खे पढ़ियो हुयोसीं. उते तव्हांखे ॿुधायुमि त बाबा स्केलर प्रोडक्ट जा टे नाला आहिनि. स्केलर प्रोडक्ट इन करे था चऊं त मल्टीप्लीकेशन खां पोइ क्वांटिटी स्केलर मिले थी ऐं उन खां पोइ डॉट प्रोडक्ट बि उनखे सॾियूं था त नोटेशन डॉट थी अचे. ऐं स्केलर प्रोडक्ट खे पिणु असां इंट्रेंसिक प्रोडक्ट चऊं पिया. या इन करे त जॾहिं उते ए ऐं बी ॿ वेक्टर ज़रब था कजनि स्केलर प्रोडक्ट में त उते को नओं वेक्टर नथो मिले पर उन्हनि वेक्टर्स जे मैग्नीट्यूड जी प्रोडक्ट मिले थी. यानि वाई वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट एज़ इंट्रेंसिक प्रोडक्ट बिकॉज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स नथिंग अ न्यू वेक्टर विल ऑब्टेन. दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ इंट्रेंसिक प्रोडक्ट. इंट्रेंसिक प्रोडक्ट उन्हनि वेक्टर्स जे अंदरि जेको मैग्नीट्यूड आहे उन्हनि जी प्रोडक्ट मिले थी. त उन स्केलर प्रोडक्ट जो टियों नालो इंट्रेंसिक प्रोडक्ट हुयो जेको अॻे क्लास में तव्हांखे न ॾसे सघियो हुयुसि. त उनजे करे उहो मां तव्हांखे ॿुधायमि त उहो उनजो टियों नालो इंट्रेंसिक प्रोडक्ट हुयो. त ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आहे. को बि नओं वेक्टर नथो मिले ऐं ए बी कॉस थीटा प्योरली स्केलर क्वांटिटी आहे. ठीकु आहे. सो हाणे असां अॼु जे टॉपिक ते अचूं था त हिन प्रोडक्ट जो नालो आहे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या एक्सट्रेंसिक प्रोडक्ट. हुआ इंट्रेंसिक ऐं हीअ एक्सट्रेंसिक प्रोडक्ट. हाणे ॾिसो त वेक्टर प्रोडक्ट कहिड़े पॉइंट ऑफ व्यू खां चऊं था हिनखे. बिकॉज वेन वी आर गोइंग हेयर इन दिस प्रोडक्ट टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स द रिज़ल्टेंट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर आर यू कैन से resultant is vector quantity. Due to this fact, from this point of view, we call this product as vector product. And when we write two vectors, we must put the notation of cross between the vector. That is why this is also called cross product. The third, we call this as extrinsic product because in this product, when we are going to multiply two vector A and B, then we get a third vector, that is C. So C is neither A nor B, but it is an external or other than A and B vector. It is a new vector, it is an external vector. That is why we call extrinsic product. Yani vector product mein tava zarba daba vector kandau A and B prata khevari टियों वेक्टर मिलंदो जेको सी हूंदो. ज़रब त कंदव आर ऐं एफ यानि पोज़ीशन वेक्टर या मूमेंट आर्म ऐं फोर्स. पर वरी प्रोडक्ट खां पोइ मल्टीप्लीकेशन खां पोइ तव्हांखे न त आर मिलंदो न एफ मिलंदो पर टार्क मिलंदो. त हिन प्रोडक्ट में जॾहिं असां ॿिनि वेक्टर्स खे ज़रब कयूं था त आउटपुट वरी इन्हनि खां हटी करे को टियों वेक्टर मिले थो. इन पॉइंट ऑफ व्यू खां असां हिन प्रोडक्ट खे जेको आहे एक्सटेंसिक प्रोडक्ट बि छॾींदा आहियूं. ठीकु आहे बुआ. सो हिते हिकिड़ी शइ यादि रखंदव त वेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिज़ल्ट्स इन टू वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. मां हिते किथे लिखी बि छॾियो आहे इहो. ठीकु आहे. छा चयोसीं? वेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स वेन द मल्टीप्लीकेशन of two vectors
results into vector quantity, then it is called vector product. ये अब डेफिनेशन थी भाई बुधाई विदम लिखी विदम हाँ इनमें छा जै भी तब वेक्टर जरब कौ मिसाल तौर ही वेक्टर है ए हिया ए वेक्टर के वरी उत ही बो वेक्टर रखल है बी हाँ इनमें रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है ए क्रॉस बी कौ तो नव वेक्टर मिलों जो हों सी हाँ जो सी वेक्टर आ यो न तो ए न वरी बी आको सी वेक्टर आ यो ए बी के प्लेन ते परपेंडिकुलर आ तो हाँ जो नो वेक्टर सी मिलो ही ए ही बी क्रॉस वेक्टर ए टुवर्ड्स बी बोथ प्रोसीड दे फॉर्म अ न्यू वेक्टर कॉल्ड सी वेक्टर दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी या चाहो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी या चाहो तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी या चाहो तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ दिस ठीक है तो अड़े तरह असो यो ए क्रॉस बी मिलो तो जैसे तुम ए क्रॉस बी कौ तो नव वेक्टर जो हों सी हों न्यू वेक्टर छ हों सी अड़ी तरह हिं भी लिखी सको तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू के पे साइन थीटा यू के पे या हिं भी चई सको तो ए क्रॉस जो बी आराबर थी वो ए बी की जगह से सी छो तो जो ए बी मैग्नीट्यूड है बिन वेक्टर जो वो सी के बराबर है सी साइन थीटा यू केप चो या एन केप चो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हाँ ये जो आउटपुट मिली आ वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है वो अड़ी तरह ये इक्वेशन नंबर वन थी वही वरी अचो या इनके इक्वेशन नंबर वन दियो तभी को फर्क न तो पवे ही वेक्टर है बी ये वेक्टर है ए हाँ वरी हिं रोटेशन कयो बी का ए के तरफ जैसे बी का ए के तरफ कयोसी तो थी पो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी चो या इज इक्वल टू माइनस डी चो मैग्नीट्यूड सागो हों जो सी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड आतो माइनस सी जो या डी जो आने बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी या माइनस डी चोस होडे सी मिलो आडे माइनस सी मिलो आ ठीक है तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू जो आसो बी ए माइनस बी ए साइन थीटा यू के हिया दिसो इक्वेशन टू थी वही हाँ इतना वाजिब थो तो ए क्रॉस बी सी साइन थीटा या ए बी साइन थीटा यू के हो बी क्रॉस ए माइनस बी ए साइन थीटा है तो नतीजो निकतो तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव यानि विच लॉ इज नॉट वैलिड इन वेक्टर प्रोडक्ट तब चौदह कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैलिड है एसोसिएटिव लॉ भी वेक्टर प्रोडक्ट में वैलिड है जैसे एम या एन के ब नंबर होजन या वरी अगे हली कर बी एस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उत टे वेक्टर्स हूँ तो तवे इतने यो याद रखो वेक्टर प्रोडक्ट में कड़ो लॉ वैलिड को चौदह तो वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड ना है बाकी एक बी गाल इतने बुधायाव तो वेक्टर प्रोडक्ट जहाँ है वह एंटी कम्यूटेटिव है वेक्टर प्रोडक्ट है एंटी कम्यूटेटिव ऐसो वह कि मिसाल तौर अस ए क्रॉस बी था क्यों तो सीधो मिले वरी बी क्रॉस ए था क्यों तो माइनस सीधो मिले यानि एकड़ी प्रोडक्ट दिसो सी वेक्टर नॉट इक्वल टू माइनस सी आ ठीक है तो इनमें मैग्नीट्यूड बराबर हों तो सी मैग्नीट्यूड बराबर इनके तुम डी भी वी सो तो मैग्नीट्यूड बई बराबर है इनके तुम डी भी वी सो पा तो सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर नॉट इक्वल टू माइनस डी वेक्टर पर सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड जेतरी भी ये लेंथ इन सी वेक्टर की ओतरी लेंथ इन डी वेक्टर की
पर डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ जैसे अस हे क्यों तो ए क्रॉस जो बी आई बराबर थी अव माइनस बी क्रॉस ए जे यो तुम इन ग्राफ में भी समझी सको तो हे वेक्टर बी है तो हाँ इन बी वेक्टर जो तुम खो माइनस नेगेटिव जैसे भी कें वेक्टर जो नेगेटिव खणद तो मैग्नीट्यूड ओतरो ही खणद सिर्फ जो डायरेक्शन है वो कद चेंज कर छींद तो हाँ ऐसो ये थी वो माइनस बी जो ही वेक्टर है वो है ए हाँ क्या माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू जो सो सी थी वो माइनस बी के क्रॉस एडे मिलो सागो सी तो यो याद कद वो इतने किथे मैं ये पॉइंट आउट कई थी माव तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज रिजल्ट्स अ वेक्टर या रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी हमेशा बिन वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होंगी है या वेक्टर क्वांटिटी होंगी है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है डज नॉट ओबे वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव ला यानी ए क्रॉस बी बराबर ना है बी क्रॉस ए जे पर वेक्टर प्रोडक्ट जो है एंटी कम्यूटेटिव आगे इतने ही समझायम तो ए क्रॉस बी बराबर आ नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट वो बे डिस्ट्रीब्यूटिव ला वो है इनके चंद तो दिस रिलेशन जैसे अचे तो वह ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज कॉल्ड विच वन ला चंद डिस्ट्रीब्यूटिव ला। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला जहाँ ब मुख्तलिफ़ नमूना तेजे जो किताब वट लिखल ये प्रॉपर्टीज क्यों पा कुछ उन्हों तो इनके चवंद लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो हे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है ही वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। इनके चवंद लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इनके चवंद राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन होंगी मल्टीप्लिकेशन जी ओवर एडिशन ठीक है बबा। अच्छा उन रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के भी पढ़ा ये याद कर छींद तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है बिन वेक्टर्स जी उ नल वेक्टर थी कड़ी एंगल से जीरो से जो सो 180 से लिखल बबा ऐसो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स गिवेज चवंद नल वेक्टर एट जीरो डिग्री या 180 डिग्री चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स गिवेज अ नल वेक्टर एट एंगल ऑफ जीरो डिग्री एंड 180 डिग्री छो तो ऐसो जीरो से भी लीनियर ओरिएंटेशन है 180 से भी लीनियर ओरिएंटेशन है 360 से भी लीनियर ओरिएंटेशन आ जे ट्रई एंगल्स अचन जीरो 180 360 दाल कड़ी एंगल्स से वेक्टर प्रोडक्ट गिव इज जीरो रिजल्ट तो तुम चवंद जीरो की डिग्री 180 डिग्री ए 360 डिग्री इन रोटेशन को जीरो आ ये 180 आ वरी ये फ्री वरी इतने अचो 360 आ तो इन ओरिएंटेशन लीनियर आ जाते ओरिएंटेशन लीनियर हो माना उतने वेक्टर प्रोडक्ट रोटेशन कान हों ठीक है तो इन टिन एंगल्स से जो स्केल वेक्टर प्रोडक्ट आव इज रिजल्ट ऑफ नल वेक्टर तो तेज बुक्स में जीरो भी है पर जीरो का नल वेक्टर आ छो तो पढ़ो अब वेक्टर जरब क्यों तो रिजल्ट भी वेक्टर मिले तो कड़े एंगल से बाकी ये चूँ तो एट विच एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो तो वेक्टर प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड जीरो थी पर इट्सैल्फ वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर थी एट जीरो 180 ए 360 से इन सागी शे के मां हिं भी लिखो तो माव तो इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो इनका मतलब आ ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड जीरो ना है यानी ए वेक्टर नल वेक्टर ना है ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो आ बट ए क्रॉस बी जीरो आ या नल वेक्टर आ देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हों पैरल भी हों एंटी पैरल भी हों एंगल ठाइंदा जो 360 जी भी तो इतने जो बोझ कर छो सागो जो पंजो ए सतो सवाल मतलब सागो आ बिन्न जो पंजे ए सते जो मतलब छा है सेम आ तो बबा जैसे ए क्रॉस बी जीरो आ
ए वेक्टर ए बी वेक्टर विल बी आइदर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। उन वेक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव व्हेन वेक्टर्स आर ए में पैरेलल परपेंडिकुलर रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री। हाँ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वह 270 से वो वाय डैश से जो ना वह नेगेटिव आ तो चवंद तो वेक्टर प्रोडक्ट कड़ी एंगल से नेगेटिव आ 270 से स्केलर जो प्रोडक्ट नेगेटिव है 180 से यो फर्क समझना वो स्केलर प्रोडक्ट कड़ी एंगल से 180 से वेक्टर प्रोडक्ट जो 270 से जो नेगेटिव है। ठीक है अच्छा उन हि प्रॉपर्टी दिसो तो जो सो हे वारी तो इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ए आ बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड बी आ जीरो ना है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू चवंदो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये डिफरेंट शे अव ही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है तो इतने जैसे चव इन अगते तो भला ए एंड बी वेक्टर्स आर तो चवंद परपेंडिकुलर ए बी वेक्टर पा में छा परपेंडिकुलर हूँ हाँ इनमें ब सवाल थी सकता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये भी ये पैरेलल वाली भी ए क्रॉस बी जैसे ए बी के बराबर हो इफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी देन ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दिसो कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन 90 छाती वयो वन तो हे छाती वयो ए बी यानी ए बी तदे आंसर आयो जदे ए वेक्टर बी पान में छा होया परपेंडिकुलर होया तो हाँ वेक्टर प्रोडक्ट नेगेटिव कड़े थे एंगल थे ही नोट कर छोस कुछ एंगल्स एग्जाम्पल पढ़ा हि बुधा प्रॉपर्टीज तक ये सबई। ठीक है अच्छा हाँ उन ऐसो तो वेक्टर प्रोडक्ट में यो तो याद कर जो है साइन आ तो वेक्टर प्रोडक्ट इज हाफ एट 30 डिग्री तो स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ एट 60 डिग्री छो तो कास 60 वन बाय टू आड़े साइन 30 वन बाय टू आ वरी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बराबर आ ए डॉट बी अजे एट 45 डिग्री हाँ जैसे तवे अचे तो बाबा कड़ी एंगल से जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आ इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट आ चंदो 45 जी एंगल उन तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव एट 270 डिग्री तो स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव एट 180 डिग्री। ठीक है उन पढ़ाया तो स्केलर प्रोडक्ट जो है डबल आ इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ हलो डबल द ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड एट 27 डिग्री। ठीक है कॉस 27 जो वैल्यू तक दसो थी तो साइन 27 का डबल आ कॉस 27 0.89 आ या 0.90 आ साइन 27 0.45 है। ठीक है बबा तो ये इन जहाँ रिलेशन थी वह अच्छा उन एंगल्स भी समझ में अची व्यू एग्जाम्पल्स से अचो तो इन जहाँ एग्जाम्पल्स कड़ा है। ठीक है बेस्ट जो एग्जाम्पल है इनजो अड़ो रिलेशन पौधा एग्जाम्पल से अचूँ ए क्रॉस ए वेक्टर आ वारो बी वेक्टर आ
बी वेक्टर में ए जोड़ कयोसीं, ए में बी जोड़ कयोसीं, त हे नओं वेक्टर जेको सी आहे, सी मैग्नीट्यूड ऐं यू केप चओ या एन केप चओ, ठीकु आहे, इहो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आहे। इहो यू केप या एन केप छा आहे, उहो आहे नॉर्मल यूनिट वेक्टर आहे, जेको इन जे बि बराबरि थी सघे थो ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी, ऐं जेको आहे सो हे मैग्नीट्यूड हिन जे बराबरि थी सघे थो। सी मैग्नीट्यूड बराबरि आहे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। हाणे ॾिसो हितो वाज़े थी वियो त हे जेको यू केप आहे या एन केप आहे, इहो हिन पैरलोग्राम ते परपेंडिकुलर आहे, पर इहो जेको आहे सी वेक्टर सां पैरल आहे। ॾिसो अॻु में बि ॾिसी चुको आहे त हे जेको नॉर्मल यूनिट वेक्टर आहे हिन सीअ सां पैरल आहे, पर हीअ जेका एरिया ठहे थी त हीअ थी वई एरिया ऑफ पैरलोग्राम। हाणे तव्हांखे यादि करिणो आहे त एरिया ऑफ पैरलोग्राम जेका आहे उहा बराबरि अथव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जे, ठीकु आहे। हाणे ॿिनि तरीक़नि सां एम सी क्यू अची सघे थो। हिकिड़ो त एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज़ इक्वल टू तव्हां चवंदो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या चओ भला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ए में चओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ पैरलोग्राम। तव्हां चवंदो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू विच वन, एरिया ऑफ पैरलोग्राम। इहो तव्हां सब्जेक्ट में प्रूव करे आया हो, ठीकु आहे भाउ। अच्छा हाणे हीअ सॼी त एरिया ऑफ पैरलोग्राम आहे, जेकॾहिं हितां हीअं कंदासीं त हे ट्राइंगल थी वियो। हिकिड़ो हीउ रिलेशन यादि करिणो अथव जेको सब्जेक्ट में प्रूव कंदा आहियूं। उन खां पोइ एरिया ऑफ जेका ट्राइंगल थी उहा छा थी त हिन खे अधु करे छॾियोसीं, उहा हाफ़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आहे। हाणे हिन ते तव्हां वटि एग्ज़ाम्पल अथव किताब में, ए वेक्टर ऐं बी वेक्टर फॉर्म द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीकु आहे, ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर फॉर्म द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। त एरिया ऑफ ट्राइंगल लहण लाइ छा कंदासीं, असां प्रॉपर्टीज़ कंहिं हलाईंदासीं ऐं आख़िरी प्रॉपर्टी यूज़ कंदासीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाबा कीअं लहंदो, पहिरियों ए क्रॉस बी लहंदासीं, पोइ ए क्रॉस बी जो मैग्नीट्यूड लहंदासीं, पोइ उन मैग्नीट्यूड खे अधु कंदासीं। ईअं करण सां ॼणो तव्हां ट्राइंगल जी एरिया लधी। अहिड़ो एग्ज़ाम्पल बुक में अथव, टाइम बचे थो त मां करायां थो, न त तव्हां जेको आहे इहो एग्ज़ाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इहो ज़रूरु करे ईंदो। कहिड़ो होमवर्क थी वियो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ ए वेक्टर इज़ इक्वल टू सो एंड सो, बी वेक्टर इज़ इक्वल टू सो एंड सो, इहो एग्ज़ाम्पल अथव किताब जो। इन ते तव्हां जेको आहे सो लही ईंदो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, उन खां पोइ असां प्रॉपर्टीज़ पे कयूंसीं, त प्रॉपर्टीज़ खे किथे पहुचायोसीं, ॾिसो हिकु हीअ प्रॉपर्टी आहे रोटेशन वारी, त हलो फाइव या सिक्स प्रॉपर्टी आहे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हाणे हिन खे तव्हां हीअं बि लिखी सघो था त वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट्सेल्फ इज़ ज़ीरो चओ या नल वेक्टर चओ, पर ज़ीरो बि हुजे ऐं नल वेक्टर बि हुजे त बेस्ट नल वेक्टर आहे, ज़ीरो या ज़ीरो वेक्टर। ॾिसो आई क्रॉस आई, बाबा आई क्रॉस आई नल वेक्टर छाजे करे थो थिए, त हिकिड़ो बि आई यूनिट वेक्टर आहे, ॿियो बि आई यूनिट वेक्टर आहे, ॿई साॻिए रुख में न, रोटेशन ई कान थी थिए। जिथे बि यादि करे छॾियो रोटेशन न थिए त उते वेक्टर प्रोडक्ट जो रिज़ल्ट जेको हूंदो ज़ीरो हूंदो। अच्छा, उन खां पोइ हाणे जेका अॻी प्रॉपर्टी अथव उनखे केयरफुली सम्झो, उते रोटेशन तव्हांखे ज़हन में रखिणो आहे। ऐं हिते जेकॾहिं मां हीअं लिखां त इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर, दैन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दैन एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज़, त बग़ैर कैलकुलेशन जे मां हिकिड़ो लिखियुमि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीअ में था लिखूं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबा प्रॉब्लम ॾिनो अथमि त मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ पैरलोग्राम, त 12 ई कंदो छाजे करे हे जो हाणे पढ़ी आयो, त
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर जैसे चवा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इनके अद कर यानी पॉइंट सर थी हाँ 6 राइट ठीक है हाँ ऐसो तो अगली जी प्रॉपर्टी है रोटेशन वाली वह केयरफुली समझो उनते प्रॉब्लम हूँ रोटेशन तट सिर्फ एंटी कलाक बई था पढ़ी छ्यों ही एक्स ही वाई ही जेड एक्स से कड़ो यूनिट वेक्टर पैरल आए और वाई से कड़ो पैरल है जे जेड से है के हाँ याद करने की जरूरत को रोटेशन समझी छो आए के बबा क्रॉस कयोसी जेड आए क्रॉस जडें जे तो असके मिलो के ऐसो आए के क्रॉस किया जेड हाँ जे के क्रॉस किया तो जे क्रॉस के कयोसी तो मिलो आए वरी के क्रॉस आए कयोसी के क्रॉस आए कयोसी तो मिलो छा जे ठीक है याद करने की जरूरत कान्हे तो भाई के क्रॉस आए छा जे बराबर यो रोटेशन समझी छो अच्छा वरी अना हिं दवा अगते ये प्रॉपर्टी सती है सपोज तो वरी जर हे क्यों तो आए क्रॉस जे बराबर माइनस जे क्रॉस आए इज इक्वल टू के जी ए क्रॉस बी बराबर हो माइनस बी क्रॉस ए जे बई बराबर हुआ सी जे हाँ चोसी आए क्रॉस जे यानी ए क्रॉस बी बराबर आ माइनस बी क्रॉस ए जे तो हाँ ऐसो तो जै क्रॉस जे कद तो के मिलो अड़ी तरह जैसे माइनस जे था क्यों माइनस जे हेटे थी प्लस जे राइट से तो माइनस जे लेफ्ट से ही आए सागो ही थ्री डायमेंशन सिस्टम है और जैसे तुम माइनस जो जे खो तो प्लस जो जे नो हाँ ऐसो माइनस जे के क्रॉस कयोसी आए डे सागो ही के मिलो ठीक है सागो कड़ो वेक्टर मिलो के अड़ी तरह तुम हिं भी कर सकोता तो वह जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू आए वरी के क्रॉस आए माइनस आए क्रॉस के इज इक्वल टू जे हे प्रॉपर्टीज थी वही कड़े रोटेशन से हे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से कई एंटी क्लॉकवाइज ठीक है रोटेशन से हाँ क्लॉकवाइज के भी समझी छो ऐसे क्लॉकवाइज इन इन प्रॉब्लम इंदा वो रोटेशन जो यूज होंद हाँ ऐसो क्लॉकवाइज रोटेशन ना क्यों हुआ आए जे हे के एक्स वाई जेड हाँ यो याद कर छो एम सी क्यू भी लिखो तो माओ तो ए क्रॉस बी पॉइंट्स अलग पॉजिटिव जेड एक्सिस जैसे ए क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस दे हो तो ए वेक्टर एंड बी मस्ट लाइ इन एक्स वाई प्लेन ऐसो इतने हाँ ही वेक्टर आ सपोज ही ए वेक्टर आ मिसाल तौर ही बी वेक्टर आ हाँ जैसे ए क्रॉस बी कौ तो काडे वह पॉइंट आउट कदी प्लस जेड डे बबा ए के क्रॉस कौ बी डे तो काडे पॉइंट आउट कदी जेड डे तो ए बी कड़े प्लेन में थी एक्स वाई में तो यो एम सी क्यू जो होने हो यो समझा छो हाँ अचो रोटेशन कड़ी क्यों हाँ रोटेशन ये क्यों सुबह थी क्लॉकवाइज ये कई कि हेडा वाली ये हुई एंटी क्लॉकवाइज हाँ क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन टेकिन टू बी नेगेटिव टेकिन टू बी नेगेटिव यो याद रखो और ये अव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव ये होंद ना एक्स का वाई डे माना ये पॉजिटिव आ ठीक है एक्स का वाई डैश डे ही क्लॉकवाइज आ नेगेटिव हाँ छाती हुए आई क्रॉस के कयो वो आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के बराबर कदो माइनस जे जे माइनस फॉर क्लॉकवाइज वरी के क्रॉस जे कयो के क्रॉस जे कदो माइनस आए वरी जे क्रॉस आए कयो जे क्रॉस आए कयो सी जे क्रॉस जैसे आए कयोसी तो माइनस के हाँ सागी तरह इन हिं भी लिख सकोता प्रॉपर्टी एट वांगुर
एकड़ो मैं एग्जाम्पल लिखा दो, आई क्रॉस के कयो माइनस के क्रॉस आई कयो इज इक्वल टू जेको आ सो इज इक्वल टू छा चंदो माइनस जे माइनस फॉर क्लॉकवाइज। जाथे भी तां अगे हली करे चौथे चैप्टर पंजे में पढ़ो टार्क जो वैल्यू नेगेटिव अचे, मिसाल माइनस 1.5 न्यूटन मीटर अचे, माइनस 1.5 आयो मीन्स इंट द पेज आ क्लॉकवाइज आ डाउनवर्ड आ, प्लस अचे माना एंटी क्लॉकवाइज आ मथे आई। ठीक आ, क्लॉकवाइज रोटेशन जॾहिं बि हूंदो आहे न, पंहिंजे चैप्टर डिटेल में पढ़ंदासीं, त उन में का शइ टाइट थींदी आहे, टाइटनिंग अप नट विथ स्पेनर, नट खे जॾहिं टाइट कबो आहे त क्लॉकवाइज फिराइबो आहे, एंटी क्लॉकवाइज में वरी मथे वेंदो आहे, लूज़न थींदो आहे। ठीकु आहे, उहा त हाणे इहे तव्हांखे मां हिते करायो में प्रॉपर्टीज़, हिन जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी ते ॿ अथव इहे लिखी छॾंदव। ठीकु आहे, हाणे अचो त हिननि ते हिकिड़ो प्रॉब्लम कयूं, ॾिसो कहिड़ो रोटेशन हिन में यूज़ थिए थो। मां हीअ मिटाए थो छॾियां, पहिरियों प्रॉपर्टी तव्हांखे यादि न हुजनि भले, उन वक़्तु सम्झो त कहिड़ी प्रॉपर्टी हिन ते यूटिलाइज़ थींदी। ॾिसो सपोज़ हे वारो मां प्रॉब्लम लिखी छॾियो आहे हिते, त ए वेक्टर जी कोल्ट आहे 4 आहे, बी वेक्टर आहे 5j, त ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर आहे 4i 5j 4 × 5 = 20 आई क्रॉस जे, त 20 जे क्रॉस के वठो आई क्रॉस जे छा थींदो, ही आई ऐं हे जे, आई क्रॉस जे छा थी वियो के, हे थी वियो 20k, घणो थी वियो 20k। ॿियो एग्ज़ाम्पल खणो, सपोज़ इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जेको आहे 3k पे, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 जेको आहे सो 5 आई के पे, 5j के पे, देन ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी छा थींदो, ए क्रॉस बी ॾिसो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू छा थी वियो 3k पे क्रॉस 5j पे 3 × 5 = 15। हाणे बाक़ी ॾिसो त के क्रॉस जे छाजे बराबरि थो थिए, रोटेशन ठाहियो हिते के क्रॉस जे, हीअ हीअ जेको आहे के ऐं हे जे ऐं हीअ आहे, हाणे के खां जे ॾियां माना कलाक वई था, त हाणे छा थियो आहे के क्रॉस जे माइनस आहे थियो आहे, त एंसर थी वियो 15 माइनस आहे यानी माइनस 15 आहे। हाणे जेकॾहिं तव्हां ॾे एंसर 15 बि हुजे, माइनस 15 बि हुजे, त करेक्ट ऑप्शन माइनस 15 आहे, छो त तव्हां ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट था लहो, वेक्टर प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड नथा लहो, मैग्नीट्यूड लहूं हा त पोइ माइनस ॾियण जी ज़रूरत न पवे। हा हाणे हिन ते जेको मां इहे सम्झायो आहे, आख़िरी प्रॉब्लम 24 अथव, हिकु अधु मां हुन मां सम्झायां थो, टे पार्ट आहिनि हुनजा, ॿ वरी होमवर्क थो ॾियां। अच्छा, हे प्रॉपर्टीज़ थी वियूं, हुननि ते प्रॉब्लम बि कंदा आयासीं। आख़िरी जेका प्रॉपर्टी अथव उहा हीअं आहे, अॻु में बि हुन ते तव्हांखे यूनिट वेक्टर वटि प्रॉब्लम करायो आहे, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए 1i ए 2j ए 3k ऐं बी वेक्टर इज इक्वल टू बी 1i बी 2j बी 3k, त छा थींदो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू छा थींदो आई जे के, हिते छा लिखंदो ए 1 ए 2 ए 3 बी 1 बी 2 बी 3, हीअ आख़िरी प्रॉपर्टी। ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं मिसाल तौरु मां हीअं थो लिखां त आई जे के ए एक्स ए वाय ए ज़ेड बी एक्स बी वाय बी ज़ेड इफ लिखियो अथमि। ठीकु आहे, रिप्रेजेंट्स एम सी क्यू आहे, छा लिखियो आहे, जेकॾहिं
पोइ ही वारो जेकॾहिं आहे जे के ए एक्स ए वाई ए ज़ेड बी एक्स बी वाई बी ज़ेड रिप्रेजेंट्स ए में स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ठीक आहे सी में ए प्लस बी मैग्नीट्यूड डी में त तव्हां छा चवंदव वेक्टर प्रोडक्ट यानि रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी हिन खे रिप्रेजेंट करे थी की असांजी प्रॉपर्टी थी वई रिप्रेजेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी ठीक आहे रिप्रेजेंट्स ए डॉट बी या ए क्रॉस बी चवंदो रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी ठीक आहे सो ये प्रॉपर्टीज थी वयूं अचो हाणे एग्ज़ाम्पल्स ते पोइ हिकु ॿ प्रॉब्लम कयूं अच्छा उहो हाणे ॾिसो त हीउ जेको आहे सो जेके हाणे रोटेशन पढ़ियासीं उन्हनि ते हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे त थ्री वेक्टर्स आहिनि हे टे थ्री वेक्टर्स ही लिखिया पिया आहिनि हिते ए बी सी आर फोर यूनिट नॉर्थ थ्री यूनिट वेस्ट एट यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली फाइंड ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी ऐं बी क्रॉस सी हाणे हिन जा टे असां पहिरियां ॿ हिसा करायां थो सी ॾिसो तव्हांजे लाइ होमवर्क आहे हाणे ॾिसो हिते इंडिकेटर ठाहियूं असां जे हे ठाहिया अथव उहा ए क्रॉस बी टे वेक्टर आहिनि ठीकु आहे टे वेक्टर हुनमें छा छा आहे ए वेक्टर जेको आहे उनजो मैग्नीट्यूड आहे घणा सेंटीमीटर ए वेक्टर जो चार यूनिट फोर यूनिट हे काॾे आहे नॉर्थ आहे ए वेक्टर बी वेक्टर शायदि थ्री आहे थ्री यूनिट वेस्ट आहे वेस्ट ऐं जेको सी वेक्टर आहे उहो आहे एट यूनिट ईस्ट एट यूनिट्स ईस्ट आहे त हाणे फाइंड छा करिणो आहे फाइंड करिणो आहे पहिरियों ए क्रॉस बी लहो ॾिसो हाणे ए क्रॉस बी त ए बी साइन 90 छाजे करे त हिकिड़ो वेक्टर आहे ए नॉर्थ ते ऐं बी वेक्टर आहे वेस्ट ते त इहे ॿई जेका एंगल ठाहिनि था हिकु ॿिए सां 90 जी त पोइ साइन 90 कयो चार टकी 12 एन केप या यू केप हाणे इहो 12 ॾिसूं त इहो काॾे थो थिए माना ए क्रॉस बी लहिणो आहे त ए वेक्टर खां काॾे ईंदासीं बी ॾे जॾहिं ए खां बी ॾे था अचूं त हीअं थो रोटेशन थिए एंटी क्लॉक वाइस त एंटी क्लॉक वाइज़ रोटेशन इज़ अपवर्ड हे ॾिसो मुंहिंजूं जेके फिंगर्स आहिनि एंटी क्लॉक वाइज़ थियूं फिरनि त थंब काॾिया अपवर्ड हाणे फिंगर्स काॾे थियूं फिरनि क्लॉक वाइज़ त थंब काॾिया इन टू द पेज डाउनवर्ड वाई डैश सां पैरेलल त जॾहिं बि फिंगर्स एंटी क्लॉक वाइज़ फिरनि त अपवर्ड त हाणे ख़बर पई त इहो एंसर आयो 12 यूनिट्स वर्टिकली अप या नॉर्थ मो न पर हे रोटेशन करे ॾिठोसीं त उहो हे वेक्टर आहे हिकिड़ो हीअं ठीकु आहे ए वेक्टर ऐं बी वेक्टर आहे हेॾे हाणे असां था कयूं ए क्रॉस बी जेका क्रॉसिंग था कयूं या एंटी क्लॉक वाइज़ आहे तंहिंजे करे एंसर थियो 12 यूनिट्स वर्टिकली अप ऐं जेकॾहिं बीअ में हुजे वा 12 यूनिट्स वर्टिकली डाउन त हिते तव्हां डायरेक्शन में कंफ्यूज़ में अची वञो आहे त डायरेक्शन कहिड़ो थींदो ठीकु आहे हाणे इन खां पोइ अचो भला हिन जो वरी सी पार्ट करे ॾिसूं ए क्रॉस सी था कयूं त हाणे ए क्रॉस सी माना त ए वेक्टर जेको आहे काॾे आहे नॉर्थ ते हलो हे थियो ए वेक्टर नॉर्थ ते घणा यूनिट आहे फोर यूनिट्स नॉर्थ आहे ऐं वेक्टर जेको सी आहे सी वेक्टर आहे एट यूनिट्स ईस्ट अच्छा हे एट यूनिट ईस्ट आहे हेॾे हे वेक्टर सी आहे हाणे हिननि खे रोटेशन करायो त छा लहिणो आहे ए क्रॉस सी त ए खां सी ॾे ईंदो जॾहिं ए खां सी ॾे था अचो त क्लॉक वाइज़ आहे क्लॉक वाइज़ आहे माना इन टू द पेज माना डाउनवर्ड त हाणे छा थियो आहे ए क्रॉस सी इज़ इक्वल टू ए सी ए ऐं सी त पहिरियों हिते एंगल 90 जी अथनि साइन 90
अच्छा हाँ यू केप चो या एन केप तो ए जो घो ए जो चार जरबिया अठ ठीक है साइन 91 यू केप या एन केप अठ चौक बटी यू केप हाँ यू केप तो यो काडे डायरेक्शन यो रोटेशन में खबर पे यो रोटेशन ही है इंटू द पेज आ यानी 32 यूनिट्स से वर्टिकली डाउनवर्ड केयरफुली इन इन डायरेक्शंस के समझी छो एक अजा तला होमवर्क छोम हाँ उन कंडीशनल जो सो इंदो अव एम सी क्यूज ए क्रॉस बी जैसे बराबर हुए इफ ए क्रॉस बी बराबर आ बी क्रॉस ए जे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए एच तो चवंद पाए पाए बाय टू पाए बाय थ्री तो छा थींदो वो ए क्रॉस बी हुआ तो चऊं पे ए क्रॉस बी बराबर कोने ठीक आ ए क्रॉस बी हुआ चऊं पे बराबर ना है ए क्रॉस बी बराबर ना है बी क्रॉस ए जे पर ए क्रॉस बी कंडीशनली बराबर आ हुआ चऊं पे ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वरी बी क्रॉस ए माइनस सी पर जेकड़े एंगल होजे ने पाए जी जीरो जी 360 जी तो अंडर सर्टेन कंडीशन ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए जे वो हाँ ऐसो ना नल वेक्टर थी ना बिन्न हालतों में जेकर ए क्रॉस बी दाल हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन पाए माना साइन 180 हे यू केप तो साइन 180 छा है जीरो तो हे थी जीरो यू केप जीरो यू केप माना नल वेक्टर हाँ ए क्रॉस बी भी छा आयो पाए जे वैल्यू थे पाए माना पाए रेडियन माना 180 डिग्री ठीक है तो ए क्रॉस बी भी नल वेक्टर आयो सागी तरह दिसो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन पाए माना साइन 180 ठीक है या भी सागी यू केप तो हे भी छा थियो साइन 180 जीरो के बराबर तो हे सजो थियो जीरो यू केप माना नल वेक्टर छा जे बराबर हुंदो आ जीरो हे यू केप तो यो थियो नल वेक्टर बिन हालतुन में तो सर्टेन कंडीशन ते ए क्रॉस बी बराबर आए बी क्रॉस ए जे कंडीशन कड़ी आ पाए जीरो या 360 राइट तो या थी अंडर सर्टेन कंडीशन ठीक है बुआ हाँ इन काफ़ी मैं तवे ये जो आ प्रॉब्लम्स करायम उन लास्ट एक प्रॉब्लम रहे पे वो ऐसो हलो हाँ यो प्रॉब्लम से वन का पैर इन एग्जाम्पल टार्क जहाँ सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट जहाँ एग्जाम्पल आ वेक्टर प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट टॉर्क आर क्रॉस एफ यो याद रख जो एफ क्रॉस आर न एफ क्रॉस आर वो माइनस टा थी वो हाँ टार्क थो आर क्रॉस एफ या माइनस एफ क्रॉस आर नंबर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल या लीनर भी इनके चबो आ लीनर वेलोसिटी फार्मूला चाहे वी टी इज इक्वल टू यो ओमेगा क्रॉस आर दो चैप्टर नंबर 4 में आर क्रॉस ओमेगा न यानी या तो वी टी इनके बराबर हो जाए या हिं हो जाए माइनस आर क्रॉस ओमेगा तभी सही आ ठीक है छो तो हे ए क्रॉस बी बराबर आ माइनस बी क्रॉस ए वह प्रॉपर्टी लगी हुई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा टी या इनके वरी ए टी से भी जाहिर कबो हिं इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर यो थ्री एग्जाम्पल नंबर 4 एंगुलर मोमेंटम इन तफसील उन चैप्टर में पढ़ंदी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस रो या माइनस रो क्रॉस आर नंबर 5 मैग्नेटिक फोर्स या इनके चवंदी फोर्स
ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो है तो पढ़ी आया हो जो सो इंटर जो जी पे टॉपिक 14 चैप्टर जी पे टॉपिक ए फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फोर्स है यो बेन जो एग्जांपल है, ठीक है। या वरी अन्या यो हिंय भी होंद आई एल क्रॉस बी वरी जो सेकंड टॉपिक है 14 चैप्टर में लास्ट एग्जांपल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दीज आर सिक्स एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट इनके जाहिर कर बोलो पॉइंटिंग वेक्टर था ई क्रॉस एस कयो या एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी कयो, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंडक्शन आ एस या बी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी आए और इतने जो ही आए एस यो आए पॉइंटिंग वेक्टर पी ओ वाई आई एन टी पॉइंटिंग वेक्टर वो अच्छा है पॉइंटिंग वाज अ फिजिस्ट हु गेव आर हु सेट दिस फार्मूला तो होडा लिखो पे तो लास्ट में मां बुझा दो छिया पॉइंटिंग वेक्टर छ है ही एस आ एस इज पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया तो यो छा कंदो आ रिप्रेजेंट कंदो आ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो इनते भी प्रॉब्लम ताजे एमसीक्यू बुक में मौजूद है। मिसाल ई जो कोई भी वैल्यू मिलल होजे वा ई दी कोड मिसाल तौर आई प्लस 3j माइनस k होजे वा आई बी जो वैल्यू जको आ बी भी वेक्टर आ 5 या 6 आया माइनस प्लस 2k आ 2j आ प्लस जो 3k के के पा है ये मिलल होजे हाँ तक चे फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो इनमें डिटरमाइन कर ये फार्मूला लगा इन एक परियां प्रॉब्लम तक समझाया तो ठीक है। सो ये इन जहाँ सिक्स एग्जाम्पल याद रख एंगल्स तक अगारों बुझा चुको जेतरू एंगल्स वेक्टर प्रोडक्ट वट पढ़ो उन सभी रिलेशन जो है इन सिक्स टॉपिक्स आए ये वेक्टर प्रोडक्ट में जन तुम छह टॉपिक्स जो क्लियर कर सको था, ठीक है। अचो तो हाँ इन असूँ हे पढ़ी आया हो ये चार्ज क्यू है वेलोसिटी वी से मूव कंदी मैग्नेटिक इंडक्शन बी पैदा थी है तो वी क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यो वेक्टर प्रोडक्ट जो एग्जांपल है। वरी इंडिविजुअली ये सब टॉपिक्स पांजे चैप्टर्स में आए सिक्स एग्जांपल याद रखंदो हलो हाँ एक पे नो प्रॉब्लम जी हिं हो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई केप बी वेक्टर इज इक्वल टू ए जे केप तो ए क्रॉस बी फाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वो ए वेक्टर जो वैल्यू ए आई ए जे तो ए इंटू ए स्क्वायर आई क्रॉस जे के दिस इज आंसर। अच्छा उन हाँ ये ऐसो प्रॉब्लम ही वारो ओमेगा आई प्लस ओमेगा जो हाँ तक जो इतने एग्जाम्पल कराया तो वी टी इज इक्वल टू छा ओमेगा क्रॉस आर आ ई एप्लीकेशन है इनकी हाँ वो ओमेगा आई प्लस 2j माइनस 3k आ रेडियन पर सेकंड रेडियस वेक्टर आ 2i माइनस j मीटर दैन लिनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इज छा वी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर तो ओमेगा माना पे आई जे के रखी आयो वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी वो कोफिशंट रखो इन जगह कोफिशंट वन आ वन ए टू ए माइनस थ्री वरी ए टू ही माइनस थ्री प्लस 0k कुछ भी ना है माना जन तो इतने 0k है। अच्छा इन्हें कन्वर्ट किया घणन में बिन में आई यूनिट वेक्टर खयोसी
तो आई वो कॉलम न लिखो है टू माइनस थ्री और माइनस थ्री जीरो लिखो है प्लस जे खो या माइनस जे दस आयो प्लस जे खो तो इतना फॉरवर्ड वो माइनस जे खो इतना बैकवर्ड इंद प्लस जे खी आ माइनस थ्री हे जीरो हे वन हे टू अच्छा प्लस के वरी तो के वो कॉलम न लिखो है वन टू टू माइनस थ्री इनके सॉल्व कयो बबा तो हे फॉर्मूला ऐसो ए डी माइनस बी सी ए बी सी डी तो के क्रॉस मल्टीप्लाई कबो ए डी माइनस बी सी तो हाँ थो टू जीरो जीरो माइनस माइनस प्लस है ठीक है माइनस माइनस है प्लस तो उन इतने अचो तो ये हे थो जीरो जीरो का माइनस जका है फॉर्मूला वाली कड़ी माइनस इतने फॉर्मूला वाली आप वो इनके सॉल्व कर अच्छा ये था क्यों ऐसो इतना था सॉल्व कर ये फॉर्मूला है ऐसो तो हाँ ये फॉर्मूला वी टी गोलनी लिनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल तो जीरो इंटू टू जीरो माइनस माइनस है प्लस प्लस माइनस है माइनस माइनस कड़ी ये फॉर्मूला आ रही माइनस माइनस प्लस ठीक है ऐसो सही लिखो ये आए वो कैंसिल थी तो छो हे टू हे माइनस थ्री वरी माइनस थ्री हे जीरो ठीक है इतने ऐसी वो आई जे के वन टू माइनस थ्री वरी हे थी टू ठीक है टू माइनस थ्री ए जीरो सही है हाँ ये थी माइनस माइनस प्लस ए माइनस ये फॉर्मूला आ रही नाइन आई प्लस हे माइनस हे एडी थी माइनस सिक्स ए प्लस जो जीरो जे प्लस हे थी माइनस जहा थ्री टू टू माइनस माइनस कड़ी फॉर्मूला आ रही फोर तो हे थी माइनस नाइन आई ठीक है माइनस सिक्स जे जो आसो माइनस सेवन के पे ठीक है यो इन जो अची आंसर अची वो ठीक है वहाँ तो अड़े किस्म जो प्रॉब्लम तो हाँ कोई भी अची सो हाँ जैसे ये दर्जो अचे तो एंगुलर वेलोसिटी एतरी मिलल आ पोजिशन वेक्टर है या मीटर्स में तो लिनियर वेलोसिटी लहो तो ऑपरेशन थी वो तो लिनियर वेलोसिटी किथों लहो तो ये असा वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल में लहंदी ठीक है सो इनके वरी भी ऐसो मे बी का प्लस माइनस की एरर भी हुए तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैं अग में भी प्रॉब्लम अड़ो ही करा है लास्ट प्रॉब्लम बचे पो एक ऐसो वो कड़ो है एम सी क्यूज आन ठीक है ये वो कर उन रिलेशन तो थ्री वेक्टर्स सेट्सफाई द रिलेशन कड़ो रिलेशन आ ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो आ दैन ए वेक्टर इज दैन ए वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर इज पैरेलल टू ए में आए बी क्रॉस सी उन बी डॉट सी सी बी वेक्टर
हाँ ऐसो थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम आ टे वेक्टर सेट्सफाई द रिलेशन थ्री वेक्टर सेट्सफाई द रिलेशन कड़ो रिलेशन था सेट्सफाई कन तो पर्यों पर्यों त ए डॉट बी भी जीरो आ मन इनके नालो दियो भला मिसाल तौर ये है ए वेक्टर ही आ बी वेक्टर ये है सी वेक्टर इन नाला दिनासी हाँ ऐसो पर्यों पर्यों ए डॉट बी की जीरो थी जैसे 90 हो जे हलो मन इन में वाजिब चो तो ए वेक्टर बी पान में परपेंडिकुलर ए डॉट बी तो यो तद जीरो जैसे ए बी कास घो हो 90 ये 90 जी एंगल हलो ये जीरो थी वो वरी ए डॉट सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रई ठीक है यानी यूनिट वेक्टर्स के रिप्लेस किया ए डॉट सी तो ए डॉट सी भी तद जीरो जैसे ए सी भी पान में छाजन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होजन तो यो भी थी कास 90 यो भी जीरो थी हाँ तो चे देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू हाँ ए वेक्टर कैसा पैरेलल होंद बी के क्रॉस कयो सी डे जैसे बी के क्रॉस कौ सी डे तो बी क्रॉस जका सी थी इतों वह थी पैरेलल टू ए वेक्टर ढो जो इतने मिसाल तौर हिं हो के हो ही आए हो हेडे जे हो तो के क्रॉस आए कैसा पैरेलल थी के क्रॉस आए कैसा पैरेलल थी जे सा तो सागी तरह ये बी वेक्टर तो बी क्रॉस सी कैसा पैरेलल थी ए सा यो थोड़ो लॉजिकल टाइप जो प्रॉब्लम हो ठीक है वो मैक्सिमम तक प्रॉब्लम्स में समझा वम लास्ट एक ही एम सी क्यू अव शायद ऐस में अचे तो इनके ऐसो इतने तो ए क्रॉस बी जीरो आ ए डॉट बी भी जीरो आ देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ए वेक्टर ए बी वेक्टर पान में छा हूँ ए में तो लिखा पैरेलल परपेंडिकुलर न आइदर ए वेक्टर आर बी वेक्टर इज नल वेक्टर यो तद पॉसिबल थो जैसे इन में को एकड़ो वेक्टर नल हो तदको तो तद यो जो ए क्रॉस बी भी जीरो थी ए डॉट बी भी जीरो थी जैसे ईदर ऑफ ए आर बी वेक्टर इज ए नल वेक्टर हूँ कें भी एंगल से बवा नो ऐसो ए डॉट बी भी जीरो थे ए क्रॉस बी भी जीरो थे तो जिते ए डॉट बी जीरो थी ना उत ए क्रॉस बी जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिसाल मां ये चव तो बवा जिते वर्क मैक्सिमम उत टार्क जीरो आ छो तो वर्क मैक्सिमम जीरो जे एंगल से उन जीरो जे एंगल से वे टार्क जीरो आ तो हाँ कें भी बी एंगल से को पर इन में को भी एकड़ो वेक्टर नल हो मिसाल तौर ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ए आ बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड जीरो खो मान हाँ बी वेक्टर जन त नल वेक्टर थी तो हाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी जो मैग्नीट्यूड घो कह जीरो ये कास थीटा ये ए डॉट छाई जीरो वरी ए क्रॉस बी ये भी क्यों ए जो मैग्नीट्यूड बी जो जीरो साइन की एंगल कड़ी भी रखो थीटा ये यूके ये भी थी ये भी नल वेक्टर थी तो एकड़ो वेक्टर तक खो हो नल खो हो ये पे अथव एक नी टॉपिक इतने बुधा छा बिन जुमल में कड़ी टॉपिक प्रॉपर्टीज आ वेक्टर एडिशन द वेक्टर एडिशन इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सी में बोध कद टॉपिक कड़ी अव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पे टॉपिक अव हाँ इन में छा हों ए वेक्टर में बी जोड़ दियो या वरी बी में ए जोड़ दियो मन वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी आए वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है तेज करे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव यानी ए प्लस बी प्लस सी एकड़ो ये रिजल्टेंट मिलो या वरी ए प्लस बी प्लस सी
हे रिजल्टेंट मिलंदो बई रिजल्टेंट सागा मिलंदा छा कयो पहिरियों ए वेक्टर ऐं बी पाण में जोड़ कयो पो उन में सी जोड़ कयो या वरी पहिरियों बी ऐं सी जोड़ कयो पो ए उन में जोड़ कयो त हिन खे छा चइबो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिगर किताब में अथव उहा हुनखे ॾिसी छॾियो सब्जेक्ट में पढ़ी चुका हुआ तव्हां छा कयो आहे पहिरियों ए वेक्टर में बी जोड़ कयो जेको जवाबु अचे उहो सी सां जोड़ कयो या पहिरियों बी ऐं सी जोड़ कयो जेको एंसर अचे उहो ए में जोड़ कयो। त हिकिड़ी टॉपिक थी वई प्रॉपर्टी द वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बोथ। ठीकु आहे वेक्टर एडिशन छा आहे कम्यूटेटिव बि आहे एसोसिएटिव बि आहे या वेक्टर एडिशन ओबे चवंदो कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ या फिगर हुते हीअं मिलियल अथव ॿ वेक्टर आहिनि हिकिड़ो वेक्टर ए आहे ॿियो वेक्टर बी आहे। ठीकु आहे हाणे छा कयो त हिन में जोड़ कयो बी हे रिज़ल्टेंट मिलियो भला हिन बीअ में ए जोड़ कंदो त बि रिज़ल्टेंट साॻियो ई मिलंदो हेठि थियो रिज़ल्टेंट इज़ इक्वल्ड ए प्लस बी ऐं मथे थियो रिज़ल्टेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए बी प्लस ए हे कम्यूटेटिव लॉ सम्झायोमांव ईअं ई एसोसिएटिव लॉ बि अथव। ठीकु आहे बाबा त अॼु असां जेका आहे इहो वेक्टर प्रोडक्ट करे वियासीं ऐं लास्ट में उन लिखियो पियो अथव हिकिड़ो एम सी क्यू कहिड़ीअ एंगल ते एडिशन ऐं सब्ट्रैक्शन जो मैग्नीट्यूड साॻियो ईंदो आहे या एंगल अथव 90 जी मां हिते थो सम्झाए वञा कीअं ए प्लस बी जेको माड आहे बराबरि थिए ए माइनस बी माड त एंगल कहिड़ी आइट चवंदो 90 डिग्री कीअं बाबा प्रूव कंदो वञे कोसाइन लॉ में हिंट ॾेई छॾीमांव हे प्रूव करे जो पहिरियों ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 प्लस बी स्क्वायर। ठीकु आहे हिनखे छॾाईंदो एंसर ईंदो ए स्क्वायर हे 0 थी वियो प्लस बी स्क्वायर छा चइबो आहे ए स्क्वायर हिते माइनस जो 0 प्लस जो बी स्क्वायर यानी छा थी वियो हे थी वियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीकु आहे वरी जेकर हीअं लहो हे पहिरियों प्लस लधो आहे ए प्लस बी माड लधो आहे हे त प्लस जो 0 हाणे ए माइनस बी माड त छा कंदो ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 ऐं प्लस में छा पियो आहे बी स्क्वायर हाणे ॾिसो हे बि छा थियो ए स्क्वायर माइनस 0 हे कॉस 0 0 जे बराबरि आहे प्लस बी स्क्वायर हाणे हे एंसर छा आयो ए स्क्वायर ए मां 0 कट कयो साॻियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हीअ छा थी वई इक्वेशन टू हीअ इक्वेशन 1 ॾिसो ॿई इक्वेशन पाण में बराबरि आहिनि ही ए माइनस बी माड बराबरि थी वियो कंहिंजे ए प्लस बी माड जे त हाणे हे तव्हांखे एम सी क्यू ॾिनुमि त ए प्लस बी माड बराबरि हूंदो ए माइनस बी माड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री यानी ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ ॾियो या ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ ॾियो हीअं माइनस बी ॻाल्हि साॻी थी वई ॾिसो हे रिज़ल्टेंट जो डायरेक्शन चेंज थींदो बाक़ी हीउ मैग्नीट्यूड साॻियो ईंदो हे थी वियो ए माइनस बी माड हिन में छा कयो आहे ए वेक्टर में जोड़ ॾिनो आहे पोइ हीउ माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर में जोड़ ॾिनो आहे छा माइनस बी वेक्टर हिते ए वेक्टर में जोड़ ॾिनो आहे प्लस जो बी वेक्टर त हाणे हीअ थी एडिशन हीअ थी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन छा आहे जेको वेक्टर सब्ट्रैक्ट करिणो आहे उनजो डायरेक्शन उबतो करे उन में जोड़ करे छॾियो त एट विच एंगल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर गिव इज़ द सेम रिज़ल्ट तव्हां चवंदो एंगल ऑफ 90 डिग्री हे सिंबोलिक फॉर्म में आहे ऐं वर्ड्स में ईअं थींदो छा चवंदो आहे एट विच एंगल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स गिव इज़ ए सेम वैल्यू चवंदो एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीकु आहे त हाणे इहो होमवर्क अथव तव्हांखे ॿुधी छॾियो इहे प्रॉब्लम करे छॾियो तव्हां किताब वारा 24 नंबर प्रॉब्लम हिन जा 3 पार्ट अथव। ठीकु आहे उते जिते 0 आहे उते वधीक बेस्ट जेको आहे नल वेक्टर आहे 24 जे ॿिए पार्ट में ऐं 21 नंबर प्रॉब्लम 21 24 ठीकु आहे 22 बि 22
22 कराया हुआ पे यूनिट वैक्टर वो कराए चुको हाँ 21 24 ठीक है उनका स्केलर प्रोडक्ट से 20 प्रॉब्लम 18 प्रॉब्लम वर्क डन वो 16 प्रॉब्लम ठीक है 13 ठीक है ये एन बी करे छोड़ो।